एप्पल का सबसे शानदार और लेटेस्ट आईफोन 13 अब भारत में बनेगा। इसके प्रोडक्शन का काम जोरों पर है। आईफोन 13 की मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी फॉक्सकॉन के प्लांट में हो रही है। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एप्पल अपने आईफोन 13 के अलावा अपने सभी टॉप सेलिंग मॉडल्स अपने दो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन के जरिए लोकल लेवल पर भारत में बनवा रहे हैं। इसके अलावा एप्पल के तीसरे साझेदार पेगाट्रॉन के भी इस महीने प्रोडक्शन शुरू करने की उम्मीद है। इसमें आईफोन 12 के प्रोडक्शन के साथ शुरुआत होगी। जहां तक बात आईफोन 13 की खासियतों की करें तो आईफोन 13 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा। इसमें A15 बायोनिक चिपसेट मिलेगा। स्मार्टफोन का डिस्प्ले OLED पैनल वाला होगा। फोन की बॉडी एल्यूमिनियम की होगी। स्मार्टफोन में 128GB, 256GB और 512GB स्टोरेज मिलेगी। इसके अलावा स्मार्टफोन में LED फ्लैश के साथ ड्यूल रियर कैमरा सेटअप होगा। स्मार्टफोन में 12 मेगापिक्सल के वाइड कैमरा के साथ एक 12 मेगापिक्सल का ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम होगा। इसके अलावा एक लंबी चलने वाली बैटरी भी आपको इस फोन में देखने को मिलेगी। भारत में एप्पल का सफर करीब 20 साल पहले शुरू हुआ था। एप्पल ने सितंबर 2020 में अपना ऑनलाइन स्टोर शुरू किया था और कंपनी ने देश में कारोबारी विस्तार के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। जहां तक बात मैन्युफैक्चरिंग की है तो एप्पल ने 2017 में आईफोन SE के साथ भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी। मौजूदा समय में एप्पल का आईफोन 11, आईफोन 12 और आईफोन 13 भारत में बन रहे हैं। हालांकि आईफोन 13 के प्रो मॉडल का प्रोडक्शन अभी तक भारत में नहीं हुआ है। जहां तक बात दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन की करें तो फॉक्सकॉन दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, जो कि एप्पल के लिए भी एक प्रमुख सप्लायर है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में अपना दायरा बढ़ाया है। फॉक्सकॉन का भारत में होना और एप्पल के प्रोडक्ट्स का भारत में बनना देश में रोजगार के अवसर को पैदा करता ही है, साथ ही दुनिया में भारत को एक मजबूत पहचान भी दिलाता है।